और आवाम के हाल चाल। तो आज मैं आपको बताऊंगा सात ज़िंदगी के कानून, सेवन रूल्स ऑफ लाइफ। ये वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको पूरे सात के सात कानून पता चल जाएं। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप मेरे अगली कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कानून, अपनी जो आपका जो गुजरा हुआ वक्त है उसके साथ अमन बनाएं, मेक पीस विद योर पास्ट, ताकि आपके फ्यूचर में आगे जाके आपको वो तंग ना करे। कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, हो जाती हैं हमसे, या कह लें कि कोई इंसान होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो आते हैं और बहुत बुरा हमारा पास्ट कर देते हैं, हमारा जो गुजरा वो वक्त बहुत बुरा कर देते हैं, लेकिन हमें उसको साथ में लेके नहीं चलना, हमने उसको अमन करना, अमन में रखना और हमने उसको भूलने की कोशिश करनी ताकि वो हमारे फ्यूचर में, हमारे आने वाले वक्त में हमें तंग ना करे। फिर आता है दूसरा रूल कि लोग क्या कहेंगे। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई और ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में आपको कहता रहता हूँ, देखें लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये आपका बिजनेस नहीं है, ये आपका कोई काम नहीं है। आपको जो पसंद है आप करें, हर अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हैं करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करने लगते हैं ना तब क्या होता है, तब सबसे ज़्यादा लोग आप पे हाथ उठाते हैं, बोलते तू करेगा, अपनी शक्ल देख, यू कैन डू दिस। और लाइक मेन चीज़ है मेरे कहने का ये मतलब है कि देखें लोग जो कहेंगे वो आपका बिजनेस नहीं है और आप इससे दूर रहें और इनके बारे में सोचें मत, इन लोगों के बारे में। फिर आती है तीसरी चीज़, अपनी खुशी के खुद इंचार्ज बने, दूसरों के ऊपर अपनी खुशी को मत डालें। ये मत कहें कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में होगा मैं खुश होऊंगा, वो इंसान होगा मेरी ज़िंदगी में मैं खुश होऊंगा, क्योंकि देखें हर रोज़ लोग उठते हैं और उनके ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं, पीपल वेक अप विद डिफरेंट फीलिंग्स एवरी डे। इसीलिए अपनी खुशी के खुद इंचार्ज बने, अपने आप को खुद खुश कैसे रखना है उसके बारे में प्रैक्टिस करें, उसके बारे में नॉलेज हासिल करें। फिर आती है चौथी चीज़, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। ये मत बोलें कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि देखें ये जो कंपेरिज़न होता है ना, ये जो कहते हैं आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, उसके पास वो है मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास वो है मेरे पास क्यों नहीं, ये आपकी खुशी को बर्बाद कर देता है, बेशक आप जितने भी ऊपर चले जाएं ज़िंदगी में। क्योंकि हमेशा जब आप अपने से ऊपर वाले के देखेंगे हमेशा आपको उसके पास ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जब आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तब आप बोलेंगे मेरे पास घर है उसके पास घर नहीं है, ठीक है मेरे पास गाड़ी है वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो हमेशा आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे, और अगर ऊपर वाले को देखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। फिर आता है पाँचवा रूल, वक्त हर गम को भर देता है, ऑलमोस्ट हर गम को, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि सबको, ऑलमोस्ट हर गम को। कोई भी किसी ने आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया हो या कुछ भी किया हो, बस याद रखें कि वक्त के साथ वो जो गम है ना वो तकलीफ़ें गुजर जाएंगी, अगर आप कोशिश करेंगे उनको गुजारने की। सब चीज़ें तो नहीं बंदा भूल सकता, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें बंदा भूल सकता है, इसीलिए टाइम हील्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। फिर आता है छठा स्टेप कि इतना ज़्यादा सोचना बंद करें, हर चीज़ का आंसर अपने पास रखना ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें होती जिनको बिना आंसर के रहने देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हमें हर चीज़ का आंसर चाहिए होता है, इसकी वजह से हम डिप्रेस्ड होते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं ज़्यादा। फिर आती सातवीं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये है कि स्माइल करें, हंसें। दुनिया के सारे मसले आपके नहीं हैं, और भी लोगों के मसले, हम अपने मसलों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, दूसरों को मसलों को देते हैं, इसीलिए हंसें, स्माइल करें और खुशी के साथ जो भी मुश्किल है उससे निकले और खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।